हेलो प्रवन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सो आज की इस वीडियो में हम टी की वीडियो सीरीज कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे सेक्शन 39 के बारे में सो so, सेक्शन 39 की हेडिंग है ट्रांसफर वेयर थर्ड पर्सन इज एंटाइटल टू मेंटेनेंस सो इसकी बेर एक्ट लैंग्वेज देखते हैं हम ये कह रहा है कि वेयर ए थर्ड पर्सन हैज़ ए राइट टू रिसीव मेंटेनेंस जहाँ पर एक थर्ड पर्सन के पास राइट right है मेंटेनेंस का और ए प्रोविज़न फॉर एडवांसमेंट और मैरिज फ्रॉम दी प्रॉफिट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके जो प्रॉफिट्स हैं उससे कोई थर्ड पर्सन मेंटेनेंस लेने के लिए टाइटल है या फिर एडवांसमेंट या फिर मैरिज से रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के प्रॉफिट्स में से ठीक है ना कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके जो प्रॉफिट्स हैं ना उसमें से जो भी अमाउंट निकल कर आ रहा है उससे कोई एक पर्सन है कोई जिसको यहाँ पर थर्ड पर्सन बोला गया है वो मेंटेनेंस लेने के लिए इंटाइटल्ड है या फिर एडवांसमेंट के लिए या फिर उसके मैरिज के प्रोविजंस उसके प्रॉफिट्स में से किए गए हैं उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के मतलब वो जो मैरिज में जो खर्चा आएगा वो वो थर्ड पर्सन उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के प्रॉफिट्स में से लेने के लिए इंटाइटल्ड है आगे क्या लिख रखा है एंड सच प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफर्ड एंड क्या होता है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है तो वहाँ पर क्या होगा दी राइट में बी एंडफोर्स्ड अगेंस्ट दि ट्रांसफरी इफ ही हैज़ नोटिस देयर ऑफ और इफ दी ट्रांसफर इज ग्रेटिटर्स तो अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है तो वो जो राइट right है ना कौन सा राइट right जो मेंटेनेंस का राइट right है या फिर एडवांसमेंट का या फिर वो जो मैरिज का राइट right है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसका जो राइट right है वो एनफोर्स्ड हो सकता है अगेंस्ट दी ट्रांसफरी मतलब जिसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है कब हो सकता है इफ़ ही हैज नोटिस देयर ऑफ और इफ़ ट्रांसफर इज ग्रेटिटर्स जब ट्रांसफरी के पास नोटिस है उस राइट right का या फिर जो ट्रांसफर है वो ग्रेटिटर्स है मतलब विदाउट कंसिड्रेशन है बिना किसी अमाउंट के वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है बट नॉट अगेंस्ट इट ट्रांसफ़र ही फॉर कन्सिड्रेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ दी राइट बट उसके अगेंस्ट वो राइट right एनफोर्स नहीं किया जा सकता जिसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है कंसिड्रेशन से एंड बिना उस राइट right के नोटिस से तो जो उसके अगेंस्ट वो जो राइट right है वो एनफोर्स नहीं हो सकता देखिए इसकी इलस्ट्रेशन पर आते हैं इलस्ट्रेशन जब हम देखेंगे तो ये जो डायरेक्ट लैंग्वेज जो यहाँ पर लिख रखी है बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी देखिए इलोस्ट्रेशन क्या कह रहा है ए हिंदू फादर हैविंग ए सन एंड ए डॉटर एक फादर है हिंदू फादर है उसके दो बच्चे हैं एक सन है ए एंड एक डॉटर है बी यहाँ पर फादर की डेथ हो जाती है एंड वो जो फादर है वो प्रॉपर्टी अपने सन के फेवर में विल के थ्रू करके चला जाता है एंड वहाँ पर वो एक प्रोविजो डालता है उस विल में कि वो जो इनकम अक्रू होगी ना उस प्रॉपर्टी में से उस प्रॉपर्टी में से जो भी इनकम आएगी तो वो जो ए जो यहाँ पर सन है ना सन वुड पे फाइव थाउजेंड पर मंथ टू डी डॉटर फॉर मेंटेनेंस तो जो भी प्रॉफिट अर्न होंगे ना उस प्रॉपर्टी में से वो जो सन है ना जो ए है वो अपनी बहन को बी को फाइव थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ देगा उसकी मेंटेनेंस के लिए इस इलस्ट्रेशन को अब बेरक्ट की लैंग्वेज से कंपेयर कर सकते हैं आप वेर थर्ड पर्सन हैज़ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो बी है वो डॉटर है उसका मेंटेनेंस का राइट बनता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के प्रॉफिट्स में से फाइव थाउजेंड रुपीज़ उसको मिल रहे हैं ना उसका राइट बनता है यहाँ पर आगे बेरेक्ट में क्या है कि एंड सच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है अब यहाँ पर इलोस्ट्रेशन देखिए द सन ए सेल्स दी प्रॉपर्टी वो जो सन ए होता है वो सेल कर देता है प्रॉपर्टी एक्स को विदाउट मेकिंग एनी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर दी डॉटर बी ए यहाँ पर सेल कर देता है प्रॉपर्टी एक्स को तो यहाँ पर जो डॉटर है बी एफ की जो डॉटर है वो इंटाइटल होगी उसका मैंटेनेंस लेने के लिए अपने ब्रदर से नहीं बट एक्स से वो जो डॉटर है यहां पर एंटाइटल हो जाएगी वो फाइव थाउजेंड रुपीज लेने के लिए एक्स से जिसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है बट यहाँ पर वो तभी एंटाइटल होगी हाउ है शी इज एंटाइटल ओनली अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस ये जो सर्कमस्टास्ज एग्जिस्ट करते हैं तभी वो एंटाइटल होगी नहीं तो नहीं होगी इनमें से कोई भी एक सर्कमस्टांस वहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए फर्स्ट क्या है कि वो जो ट्रांसफर ही है शुड हैव नोटिस ऑफ दी राइट व्हेन वेन ट्रांसफर इज फॉर कंसिड्रेशन वो मान लीजिए जो ट्रांसफ़र है वो कंसिड्रेशन के लिए है मान लीजिए ए ने एक्स से दस लाख रुपए लिए हैं फिर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है उसको तो एक कंसिड्रेशन दिया एक्स ने तो अगर कंसिड्रेशन के लिए वो ट्रांसफ़र हुआ है तो एक्स के पास इस चीज़ का नोटिस होना चाहिए कि बी जो है वो मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल है इस प्रॉपर्टी में से अगर नोटिस है एक्स के पास तो जो बी है यहाँ पर वो फाइव थाउजेंड रुपीज़ एक्स से मेंटेनेंस के लिए पर मंथ क्लेम कर सकती है नोटिस का सिंपल यहाँ पर यह मतलब है कि जो एक्स है ना उसको उस कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए किस कंडीशन के बारे में कि मुझे बी को फाइव थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ देने हैं एज मेंटेनेंस ये जो कंडीशन है इसका नोटिस उसको पहले ही होना चाहिए तभी वहाँ पर अगर उसके पास इस बात का नोटिस है ना इस कंडीशन का तभी वहाँ पर वो बी को मेंटेनेंस देने के लिए वो बाउंड होगा नहीं तो नहीं होगा एंड या फिर क्या हो सकता है ट्रांसफ़र शुड बी ग्रेटिटर्स जो बी है वो तब भी इंटाइटल हो जाएगी वो मेंटेनेंस लेने के लिए जब वो जो ट्रांसफ़र हो वो ग्रेटिट्यूस हो ग्रेटिट्यूस मतलब विदाउट कन्सिड्रेशन ए ने एक्स को गिफ्ट कर दी वो प्रॉपर्टी मतलब बिना कंसिड्रेशन के उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी एक्स को तो अगर विदाउट कंसिड्रेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है ना तो यहाँ पर बी का राइट बनता है कि वो एक्स से फाइव थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ मेंटेनेंस के तौर पर ले सकती है यही बोला गया डेरेक्ट में आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, चीज़ों को पढ़ सकते हैं समझ आ जाएगा आप डेरेक्ट में क्या लिख रखा था सो so, इसी के साथ सेक्शन थर्टी नाइन कम्प्लीट होता है समझ आया तो लाइक कर देना आ, कुछ डाउट रहता है नीचे कमेंट कर सकते हो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सो so, यही था आज के लिए दैट वॉज इट फॉर टुडे हैव अ नाइस डे